मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए रेनबो जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेसन, इसका नाम है ए रूम 10x8। पार्ट का नाम क्या है? ए रूम 10x8। पार्ट फर्स्ट, और इसका राइटर है KS डूगल। देखिए इसका राइटर कौन है? KS डूगल। सबसे पहले राइटर के बारे में बताता हूं कि राइटर कौन है। इसके लेखक जो KS डूगल, वो है हमारे इंडियन राइटर्स, भारतीय लेखक, हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वालिटी, जो इंग्लिश में और पंजाबी दोनों में ही समान रूप से वो लिखते हैं। इन्होंने मतलब इट ही हैज पेंड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, कम से कम 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, 10 नॉवेल्स, 50 शॉर्ट प्लेज, 7 प्लेज, बिसाइड सेवरल वर्क्स, अनेक साहित्यिक कार्य इन्होंने किया। तो इसमें क्या कहते हैं, द लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जेनरेशन गैप। जो लेसन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें किसका आधार है? थीम ऑफ जेनरेशन गैप, जो पीढ़ियों में, आज की जो पीढ़ियों में जो गैप आ रहा है, अंतराल है, उस पर आधारित है। विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट, जो एक गंभीर चुनौती के रूप में, धमकी के रूप में हमारे समाज के सामने दिखाई दे रही है। द स्टोरी हाइलाइट्स हाउ कॉम्प्लीमेंसी, किस प्रकार से पूर्णता, पजेसिवनेस, स्वामित्वता, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उचित कमी, उचित समझदारी की कमी, एंड म्यूचुअल लव, पारस्परिक प्रेम, एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप, ये अंतराल को किस प्रकार से चौड़ा करता है। यानी आज की पीढ़ी में जो अंतराल आ रहा है वो और ज्यादा चौड़ा होता जाता है। द राइटर वॉइसेज हिज ग्रेव कंसर्न, लेखक अपनी चिंता प्रकट करता है ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग, ये अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ जो दुर्व्यवहार है उसके प्रति अपनी चिंता प्रकट करता है कि आज की पीढ़ी अपने जो एल्डर्स है, बुजुर्ग है, उनसे कितना दूर रहना चाहते हैं। बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, आधुनिक समाज के द्वारा, तो इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, विचार अभिव्यक्त करने वाली कहानी है, रिटर्न इन ए सेटायरिकल वे, जो एक व्यंगात्मक रूप से इसे क्या है लिखा गया है। तो देखिए ए रूम 10x8 पार्ट फर्स्ट, ये है आपका भाग प्रथम, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, पेंटिंग पॉइंटिंग इशारा करते हुए, ड्रा बाहरी नक्शा, सजेशन सुझाव, आर्किटेक्ट वास्तुकार, फैशनेबल मीन्स आधुनिक, कंप्लीशन पूर्णता, ग्रोन अप वयस्क, डिजायरेबल उचित, परमानेंटली स्थायी, ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति, एडजेक्टेंट बगल का, ऑब्जर्वेशन परीक्षण या निरीक्षण, कॉमोडियस बहुत विशाल, नैरोअर थोड़ा छोटा, अप्रूवल सहमति या अनुमोदन, कॉरपोरेशन नगर निगम, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, मेसन मिस्त्री, इंसिस्टेंट आग्रह किया, एस्क्वायर प्राप्त किया गया। ये हमारी वर्ड्स मीनिंग थी। कृपया सभी स्टूडेंट्स इन वर्ड्स मीनिंग्स को लिख लें या फिर
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको याद कर सके, क्योंकि मीनिंग्स का इस लेसन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर मीनिंग सबको ठीक ढंग से याद है तो हम पाठ को भलीभांति समझ सकते हैं। अब मैं पाठ का ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। प्लीज सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक रेमबो इसका पेज क्रमांक 7 खोले ताकि आपके इसका समझ में आ सके। दिस रूम माइट बी 10x8, यह रूम निश्चित रूप से 10x8 का होना चाहिए, सेड मिस्ट्रेस मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान। जो ड्राफ्ट प्लान था, जो मकान का नक्शा था, उसमें एक स्क्वायर चौकोर जगह की तरफ इशारा करते हुए मिस्ट्रेस मलिक ने कहा कि ये रूम 10x8 का होना चाहिए। लाइंग ऑन द टेबल, जो ड्राफ्ट प्लान टेबल पर पड़ा हुआ था बिफोर देम, जो प्लान था नक्शा था उनके सामने था, उसमें स्क्वायर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कमरा 10x8 होना चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम, यह तीसरी बार हुआ, देन शी हैड मेड दिस सजेशन, उसने तीसरी बार यह सुझाव दिया। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता था, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट, या तो उसके पति के द्वारा या उस शिल्पकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया गया। एंगेज टू डिजाइन द हाउस, जो हाउस के डिजाइन को बनाने के लिए लगाया हुआ था, वो आर्किटेक्चर जो उस मकान का नक्शा बनाने के लिए था ना, उसके लिए उसको रजिस्टर नहीं किया। नेक्स्ट, द मलिक वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, जो मलिक परिवार था दिल्ली के अंदर अपने स्वयं का मकान बनाने जा रहा था। दे हैड परचेज ए प्लॉट, तो दे हैड परचेज ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन, उन्होंने उस कस्बे की सबसे जो आधुनिक कॉलोनी थी उसके अंदर प्लॉट खरीदा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, वापस दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो गई, दे थॉट, तब उन्होंने सोचा कि दे माइट एज वेल हैव द बिल्ड द हाउस, कि अब इस मकान को वो क्या करेंगे, बनाएंगे, ऐसा निर्णय किया गया। कब, जब दिल्ली में उनका पोस्टिंग हुआ। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिस्ट्रेस मलिक आल्सो डिसाइडेड, और मिस्टर मलिक ने भी ये निर्णय किया दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, मकान के पूर्ण होने के बाद, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही रहेगी। इवन इफ हर हस्बैंड, चाहे उसका पति, दैट आफ्टर वाज ट्रांसफर्ड टू अनोदर स्टेशन, चाहे उसके पति का ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो दिल्ली में ही रहेगी। शी वाज सिक ऑफ दियर पोस्टिंग्स, उसकी नियुक्ति से वो बहुत परेशान थी, कभी कहाँ आने जाने से परेशान थी, तो उसने निर्णय किया कि वो, मैं तो दिल्ली रहूंगी, चाहे मेरा पति कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो। एवरी अदर ईयर, हर एक बार छोड़कर, दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, उन्हें नई जगह पर जाना पड़ता था। नाउ दे द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, बच्चे भी बड़े हो गए, एंड इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और न एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना भी उचित नहीं था, हर वर्ष विद्यालय चेंज करना क्या है, ठीक नहीं था। मिस्ट्रेस मलिक सेड, मिस्ट्रेस मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक वुड गो ऑल अलोन, यदि ऐसा है तो उसका पति अकेला जा सकता था। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही निवास करेगी, अगर पति को जाना है तो वो जाएंगे। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ
फॉर कंपनी, और उसके पास साथ में रहने के लिए उसकी सास है, सास होगी, वो अपनी सास के साथ दिल्ली में रहेगी। मिस्ट्रेस मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्ट्रेस मलिक को इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ये उसकी कहानी थी, मकान का निर्माण होने जा रहा था। दिस रूम माइट बी 10x8, मिस्ट्रेस मलिक रिपीटेड कि ये कमरा 10x8 ही होना चाहिए, दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजस्टेंट रूम, बगल के कमरे में उसके पति बगल के कमरे में टेलीफोन पर वार्ता कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये स्टोर रूम है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिस्ट्रेस मलिक, मिस्ट्रेस मलिक से कहा कि ये स्टोर रूम है, इसको 10x8 नहीं होना चाहिए। यस हाँ, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम कि यह मेरी सास का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उनके बाद यानी मेरी सास के बाद यह एक स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाएगा, ऐसा कहा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, उस शिल्पकार के समझ में नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिस्ट्रेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिस्ट्रेस मलिक के निरीक्षण के द्वारा वो थोड़ा सा पजल्ड हो गया, परेशान हो गया। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी सास वर्तमान में इस कमरे को यूज कर सकती है। एज यू नो, क्यों तुम जानते हो, शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, वो वृद्ध है और कमजोर है, बीमार है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर, वो कहीं नहीं जा रही है। एंड आफ्टर हर, इसके बाद इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, उसके बाद इसे स्टोर रूम में परिवर्तित किया जा सकता है। मिस्ट्रेस मलिक एक्सप्लेन हाल्टिंगली, मिस्ट्रेस मलिक ने वर्णन किया, बता दिए क्यों बना रहे। मिस्टर मलिक ज्वाइंड देम, अब मिस्टर मलिक भी उनके साथ शामिल हो गया। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऐसा लगता था जब टेलीफोन पर बात कर रहे थे ना, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उसने भी इस सजेशन को सुन लिया था, तो वो भी शामिल हो गए। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट, उनका भी ये विचार था कि स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर, क्यों होना चाहिए, बताया जा रहा है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कॉमोडियस स्टोर रूम, अच्छा और बड़ा स्टोर रूम होता है वो हमेशा अच्छा होता है। सो दैट वन कैन मूव, कोई भी व्यक्ति अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली, जो संदूक होता है उसको आराम से उठा सकता था, ले जा सकते थे, कोई दिक्कत सामान को आने में दिक्कत नहीं। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, ये इसको साफ सुथरा रखने में भी क्या होता है, सुविधा होती है, बड़ा होता है उसकी साफ सफाई भी ठीक ढंग से हो जाती है, तो बताया स्टोर रूम तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इट वाज डिसाइडेड दैट, तब यह निर्णय किया गया, इट वाज डिसाइडेड दैट, तब इस बात का निर्णय किया गया कि द रूम एडजस्टेड टू द किचन शुड बी 10x8, द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोअर, बट दैट डिडंट मैटर मच। तो तब यह निर्णय किया गया कि जो रसोई के बगल का कमरा है वो 10x8 होना चाहिए, द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोअर, और आंगन जो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ए लिटिल नैरोअर बट दैट डिडंट, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी, वो कोई मामला इनका नहीं था, केवल मामला था स्टोर रूम का कि वो स्टोर रूम 10x8 होना चाहिए। ऑल द रेस्ट
ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, शेष जो था उपलब्ध करवाया गया, फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड, और प्लान को सबमिट किया गया फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन, नगर निगम की अनुमति के लिए उसको सबमिट किया गया, प्लान को बना के सेटल किया और नगर निगम के पास अप्रूवल के लिए भेजा। मिस्ट्रेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, श्रीमती मलिक इसमें एक विशेष अथक, अनटायरिंग मीन अथक, रुचि ले रही थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, उस घर के निर्माण में वो अथक रुचि ले रही थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, वो हमेशा उस निर्माण स्थल पर खड़ी दिखाई देती थी विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, पूरे दिन छाता लेकर निर्माण स्थल पर खड़ी हुई नजर आती थी, यानी हमेशा वो माई खड़ी रहती थी, पूरी तरह से उसने रुचि ली। शी सुपरवाइज एवरी डिटेल, प्रत्येक डिटेल का निरीक्षण करती थी एट टाइम्स, और समय समय पर एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन एंड अदर्स, कभी कभी कारीगर को और अन्य जो दूसरे मिस्त्री मजदूर होते थे उनकी वो सहायता भी करती थी। शी वाज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वे ऐसी पहली महिला थी जो निर्माण स्थल पर सबसे पहले पहुंचती थी कारीगर मजदूरों से भी पहले, एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सबके जाने के बाद वो वहां से जाती थी, पूरे समय वहीं रहती थी, सबसे पहले आना और सबके बाद में जाना, ये उसका दिन का काम था। शी एंश्योर्ड दैट, उसने तय किया कि देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मेटीरियल, कि मेटीरियल की कोई बर्बादी नहीं होनी चाहिए, एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और कोई भी मजदूर फालतू नहीं बैठा रहे, ऐसा उसका निश्चित था। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, यह घर के पूरा होने से बहुत समय पहले, जब घर पूरा उससे काफी समय पहले, मिस्ट्रेस मलिक इंसिस्टेड, उसने आग्रह किया दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएगी, मकान पूरा होने से पहले तय कर लिया कि घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वो नए घर में पुराना फर्नीचर नहीं आने देगी, पुराने फर्नीचर को घर में एंट्री नहीं है, नया फर्नीचर बनेगा। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक पीस भी नहीं। दे वर स्टिल इन द मिडिस्ट ऑफ द प्लान, अभी तक वो उस प्लान को तय करने के मिडिल में थे। वेन दे लर्न, तब उन्हें पता चला, वेन दे लर्न दैट द हाउस हैड बीन एस्क्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि घर पर गवर्नमेंट के द्वारा कब्जा किया गया था, घर को गवर्नमेंट ने उसको खरीद लिया था किराए पर, एस्क्वायर्ड घेर लिया था। मिस्ट्रेस मलिक वाज फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हो गई, गुस्से हो गया इसका। बट द नेक्स्ट मोमेंट, ले अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेस एड्रेस, जब मिस्टर मलिक ने उसका किराया बताया, किराए के बारे में बताया, तो शी क्वाइटन डाउन, तब जाके वो बिल्कुल शांत हुई, कि एक बार तो वो क्या है, बिल्कुल गुस्सा हो गई, क्वाइटन डाउन, लिखेंगे QUIET, क्वाइटन, QUIET, क्वाइटन डाउन, शांत हुई, तब जाके वो क्या क्वाइटन डाउन, शांत हुई, तो बताया गवर्नमेंट फ्री में नहीं ले रही, अच्छा किराया मिलेगा, तब जाके वो शांत हुई। इस प्रकार से ये पहला पार्ट मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के साथ
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।